काइनेटिक्स, अपन इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन अपन कर चुके हैं. And we have done plenty of questions regarding these topics. Now we shall move on to the next topic, which is called integrated rate equations. So, बच्चे integrated rate equations. So, this is a very important topic as far as exams, both competitive as well as theory exams are concerned. So, बच्चे अपन एक चंगी तरह करना टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द टॉपिक. देखो जरा अपन रेट एक्सप्रेशन पहला की थी, अपन एक तरह से इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब दैट इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो की है. हुन आप कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आप इक्वेशन बनावे विच विल बी एप्लीकेबल टू एनी टाइम. आप उसको टाइम इज इक्वल टू जीरो तो लेके टाइम इज इक्वल टू इनफिनिटी तक कितने भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. सो फर्स्टली वी गिव यू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो बच्चे कंसिडर कोई भी जनरल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स दे गिव यू प्रोडक्ट्स, चलो अपन ए गिव्स यू बी ये बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स दे गिव यू प्रोडक्ट्स, ए इज योर रिएक्टेंट एंड बी इज योर प्रोडक्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इक्वेशन, सो मैं इसका रेट ऐसा भी लिख सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के इन टू ए की पावर जीरो, ठीक है ना. सिंस इट इज जीरो ऑर्डर द ए की पावर जीरो. मैं इसका रेट ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस डीडीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अब कर चुके हैं ना कि अब जो रेट है उसको दो तरीके में लिख सकते हैं, उन्हें रिएक्टेंट की फॉर्म माइनस डीडीटी ऑफ ए, प्रोडक्ट की फॉर्म माइनस प्लस डीडीटी ऑफ बी, या फिर रेट का एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो. जीरो क्यों? बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो बेसिकली मैंने कह सकता है कि दोनों आर इक्वेशंस फॉर रेट. सो मैंने दोनों इक्वेट करता अपर रेट. सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, आप दोनों ने बराबर इक्वेट कर लिया. सो जिन्हें एरिया टर्म्स है उन्होंने इकट्ठे कर लिया. सो नाउ व्हाट वी डू इज कि अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मुझे रेट अपने जो लिखे के इंटू ए की पावर जीरो होगा इक्वल टू के ही आ गया अपने को, है ना. So, देखो आई कैन राइट इट एज माइनस डीडीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के. मैं डीटी को बच्चे इधर लाएगा, सो माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डीए. फाइन. सो हम अपन नेक्स्ट स्टेप इसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम जीरो टू टाइम टी दोनों तरफ. सो के तो बच्चे कॉन्स्टेंट है, सो इसकी इंटीग्रेशन अपने पास की आ जाएगी. दिस इंप्लाइज माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई. आई इन जगह से सी भी लिख सकते हैं, जिन्होंने कह रहे हैं इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. फाइन. सो अपने को दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन माफ कर लो. बच्चे का इसमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो रिमूव करना है, ठीक है ना. सो बेसिकली मैं इसमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट रिमूव करना है, सो मैं कहूंगा कि एट टाइम इज इक्वल टू जीरो जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए नॉट. ए नॉट स्टैंड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना. जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है यानी कि हमारी रिएक्शन अपनी स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, वो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है ना. सो जो ए की वैल्यू है ए की, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा. सो पुटिंग दिस इन वन, सो दिस इंप्लाइज मेरे को किया गया माइनस ए नॉट. सो मैं ए को ए नॉट पुट करता, टाइम को जीरो पुट करता, सो के टू
जीरो प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो बच्चे के इंटू जीरो तो जीरो हो गया, सो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई मेरे को, सो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए नॉट। डन, क्लियर। हूं जी एक वाली वैल्यू है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट दी, अगेन इसको मैं पहली क्वेश्चन च पुट कर दूंगा। सो अपन इतना इस तरह यूज कर दिए। सो बच्चे देखो, आई पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर वन, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, नाउ मैं सिमिलर टर्म्स नू एक तरफ कर लूंगा, सो ए नॉट को इधर ले आओ बच्चे, पॉजिटिव हो चुका, सो ए नॉट माइनस ए is equal to kt. This implies k is equal to a naught minus a upon t. So this is your zero order rate equation. So this is our zero order rate equation जिसको तुसी बच्चे किसी भी time पे use कर सकते हैं। अगर समझो initially पूछा है टाइम टू जीरो पुट कर दो, आफ्टर 10 सेकंड्स पूछे है टाइम टू 10 सेकंड्स पुट कर दो, आफ्टर 100 सेकंड्स पूछे है टाइम टू 100 सेकंड्स पुट कर दो। सो अपन ने इंटीग्रेट करके एक ऐसी इक्वेशन बना ली जो कि हर टाइम पे एप्लीकेबल है। नाउ इसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करूंगा एक और वे, सो लेट जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए। आपका क्या कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल ए एज्यूम कर दिया। एक और ऑप्शन लेट एक्स रिएक्ट्स इन टाइम टी, टाइम टी के बिचों टाइम टी के बिच ए दे बिचों एक्स रिएक्ट कर दिया, सो कितना बच गया ए माइनस एक्स। सो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बच गई ए माइनस एक्स। तो मेरे को ए नॉट की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। देखो ना जी इसको मैं अज्यूम कर रहा ए नॉट टू ए, मैं कह रहा कि एक्स रिएक्ट कर गया आफ्टर टाइम टी, तब तो एक्स रिएक्ट कर गया तो बच कितना गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई ए माइनस एक्स। सो मैं उन्हें इतनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सो पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो दिस इंप्लाइज के किसके बराबर हो गया बच्चे ए माइनस ए माइनस एक्स अपॉन टी। फाइन, सो अपने को आ चीज आ गई। हम देखो सो मेरे को क्या आ गया के इज इक्वल टू ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ए माइनस एक्स अपॉन टी, ए ना ए कट जूगा एक्स प्लस हो जूगा, दिस इंप्लाइज k is equal to x by t, ठीक है? So this implies x is equal to kt and again this implies x is directly proportional to time. So for a zero order reaction, कितना reactant react करेगा? That depends upon the time. देखो बच्चे अगेन इस चीज को समझने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा सा टेक्निकली समझो इजी एग्जांपल है ना। सो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आप कहना चाहते हैं क्योंकि रिएक्शन का रेट का सेम रहेगा, इट डजंट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। सो देखो अगर स्टार्टिंग में रिच मेरे को रिएक्टेंट दे 100 मोल्स है, अगर देखो स्टार्टिंग में रिच टाइम इज इक्वल टू जीरो पे 100 मोल्स है तो टाइम इज इक्वल टू 10 पे मेरे को लेट इट बी 20 बच गए, ठीक है? तो जी मैं सुन कहूंगा कि टाइम इज इक्वल टू 20 पे कितने हो जाएंगे, सॉरी 20 ऐड करके 80 बच गए। देखो बच्चे इनिशियली मेरे को 100 मोल्स है, 10 सेकंड बाद बी ऐड कर गए तो 20 यानी तो 10 सेकंड बाद बी को ऐड कर देंगे यानी कि 60। गल समझ रहे हो ना? सो देखो इतने की लिखा हुआ कि कितने मोल्स ऐड करोगे दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जितने जितने टाइम बढ़ता जाऊंगा वो बढ़ते जाएंगे डायरेक्टली पोस्टल।
ये क्यों हो रहा है, ध्यान दो सुनो, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ते जीरो ऑर्डर रिएक्शन के विच, ते जीरो ऑर्डर रिएक्शन के विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कॉन्सेंट्रेशन 100 है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन 80 है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन 60 है, रेट डिक्रीज नहीं कर रहा, उन्ने ही रेट पे रिएक्शन हो रही है, उन्ने टाइम के विच उन्ने ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यू गेटिंग अ पॉइंट नाउ। सो हम अपनी मेन इक्वेशन प्रॉपर डिराइव कर लिए बच्चे, दिस इज योर मेजर इक्वेशन, सो हम आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ, सो वन इज दिस एंड वन इज दिस, सो नाउ वी शुड मेक कि जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन के विच अपन केड़े केड़े ग्राफ्स आ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। सो बच्चे नाउ वी शुड बी डूइंग द ग्राफ्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन। सो देखो फर्स्टली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सेइंग कि जो रेट है दैट इज इक्वल टू के इनटू ए टू पावर जीरो, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज रेट इज इक्वल टू के, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट है, सो इसका ग्राफ क्या बन रहेगा देखो, सो मैं टाइम के नाल अगर रेट का ग्राफ बनाऊं, सो टाइम वर्सेस रेट या फिर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, दोनों ग्राफ सेम बनेंगे बच्चे, ठीक है। चलो पहले तुम अपने माइंड से लेके आओ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कि दोनों ग्राफ्स कितना बदलेंगे, टाइम के नाल या रेट के, टाइम के नाल या कॉन्सेंट्रेशन के नाल रेट का ग्राफ कितना बनेगा। सो बच्चे अपन ने कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड ही कर रहे हैं, सो चाहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़े चाहे घटे रेट विल रिमेन द सेम, सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। हुन टाइम, सो टाइम के नाल रेट का ग्राफ, टाइम के नाल बच्चे कॉन्सेंट्रेशन की हो रही है डिक्रीज, बट अगेन जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो अगेन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ की होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच शोस कि द रेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है। नाउ फिर आगे बच्चे नेक्स्ट आप ग्राफ प्लॉट कराएंगे बिटवीन between x and time period, so time versus amount reacted yani ki x, so apne ki kya hai x is directly proportional to t, jive jive time badhi jaoga x bhi badhi jaoga, so dekho jitho apne reaction wale start hi nahi ki pehle se starts react nahi kiya, so zero hai, सो जिमें जिमें टाइम बढ़ रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड भी बढ़ रहा है, सो दिस इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ। नाउ अपा नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सो बच्चे वो ग्राफ आप इस इक्वेशन को बनाओगे, दिस इज आवर मेन ग्राफ फॉर दिस टॉपिक। हम आपको मैं तो पता नहीं बच्चे देखो कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और लगातार डिक्रीज कर रही है, सो लिसन केयरफुली, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ ना डिक्रीज करोगी, बट वो किमें डिक्रीज करोगी, है ना। सो देखो आप इतो प्लॉट करांगे चीज, अपने को दिस कैन बी रिटन एज kt is equal to initial concentration minus final concentration, मैं तो a भी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सो a अंदर चला गया kt अंदर, सो दिस इंप्लाइज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस kt, सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, बच्चे एक्स एक्सिस की है अपना टाइम, वाई एक्सिस की है कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट की हो गया इंटरसेप्ट, के की हो गया नेगेटिव स्लोप, सो
दिस इज योर ग्राफ, स्लोप कम्स इक्वल टू माइनस के एंड आप पूरा इंटरसेप्ट एथो को लेके एथो तक. सो दिस इज आर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो जिवे जिवे टाइम बढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. फाइंड, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो बच्चे नेक्स्ट आप एक और इंपॉर्टेंट काम कराएंगे. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो बच्चे जो न्यूमेरिकल होगा या तो आपसे गिवन होगा कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देखो बच्चे आपने इक्वेशन आज जीरो ऑर्डर भी करनी है, फर्स्ट ऑर्डर भी करनी है, सेकेंड ऑर्डर भी करनी है. फर्स्ट तो जीरो ऑर्डर की अपन कंप्लीट डेरिवेशन है सिलेबस, सेकेंड ऑर्डर की जस्ट अपन इक्वेशन करनी है. हुन एग्जाम जो न्यूमेरिकल होगा आपको पता लगेगा कि आपने जीरो ऑर्डर यूज करनी है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर. या तो आपको गिवन होगा कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, या मैं सुनूंगी जैसा से क्यों पता लगता है के दे यूनिट्स तो. जीरो ऑर्डर लिए के दे यूनिट्स की सी के मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर लिए केड़े सी पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर लिए केड़े सी लीटर पर मोल पर सेकेंड. ठीक है ना. सो या के दे यूनिट्स तो पता लगेगा, या फिर जिन्हें टिपिकल इक्वेशन होती है जिन्हें मैं सुनूंगी क्या सी कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस मोस्टली क्या होती है जीरो ऑर्डर. ठीक है ना, तो उतना चलो ख्याल जो न्यूमेरिकल्स भी कल प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. हम आप एक और इंपॉर्टेंट टर्म करनी है इसी के बीच. सो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज हाफ लाइफ पीरियड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज हाफ लाइफ पीरियड जिसको आप डिनोट करते हैं बाय राइटिंग इट एज टी हाफ. सो मुझे टी हाफ होता ही है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द हाफ लाइफ पीरियड की होता द टाइम पीरियड इन विच द रिएक्टेंट इज reduced to half of its initial concentration. So, जिन्ने समय दे विच जो reactant है वो अपनी original concentration दे half पे आ जाता है. Let it be तुसी 100 moles तो start कीता, तो अगर 10 seconds बाद तो 50 moles रह गए, that means 10 seconds की है उनकी half life. किन्ने समय च एक reactant अद्धा रिएक्ट कर जाता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. सो हुन आपा जीरो ऑर्डर रिएक्शन लई हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करांगे. सो देखो बच्चे अपने को दिस इज द इक्वेशन, मैं टी को इधर ले जाता हूं. सो देखो इस इक्वेशन में मैं टाइप करता हूं टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के. डन. नाउ हुन बच्चे एट टी हाफ जब टी हाफ आया तो रिएक्टेंट मेरा अद्धा रिएक्ट कर चुका है, यानी कि मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हाफ, यानी कि जो ए है वो कितना हो चुका है बच्चे ए नॉट का हाफ. ए वैल्यू मैं पुट करूंगा. सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर यू गेट टी हाफ is equal to a naught minus a naught by 2. So you will see a naught cho upon k of course. Jo a naught cho si a naught by 2 minus karoge to kitna baat chuka a naught by 2. So this implies t half is equal to a naught upon 2k. जो टी हाफ है दैट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, यानी कि मैं ये कह सकता है कि जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. फाइन. सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाना होगा तो देखो अब बात फिर समाप्त भी करेंगे सारे ग्राफ से
सो बच्चे द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस विल बी डायरेक्ट इमोशनल. ठीक है ना, जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना अपन उसको अद्धा करंट ज्यादा टाइम लगेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, सो अगेन आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं. देखो, सो देखो लेते हैं हम, सो लेट इट बी, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 100 मोल्स है तो लेट इट बी 10 सेकेंड्स 50 रह सकते हैं. ठीक है बच्चे, देखो ध्यान ना सुनो, मैं हूं ये 10 सेकेंड्स 50 कह देते हैं, पहला हाफ लाइफ पीरियड कितना होया 10 सेकेंड्स. नाउ हूं अगर मैं 50 तो इस 25 करना है तो मैं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा. सो देखो 100 लिए अगर 10 सेकेंड्स लगते सी तो हाफ रह गया, तो हम टाइम भी हाफ लगेगा, मैं 5 सेकेंड्स बाद 25 रह जाएगा, क्योंकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रहेगी तो टी हाफ भी अद्धा रहेगा. अच्छा अगर मैं सुन कहूँ कि 10 सेकेंड्स बाद की होगा, तब बच्चे अनदर 10 सेकेंड्स बाद है जीरो हो जाएगा. द रीजन बीइंग कि जी रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, वो अपनी स्पीड पे होता रहेगा. अगर 10 सेकेंड्स 50 मोल रह किते सी तो अगले 10 सेकेंड्स बाकी 50 यानी कि जीरो गया. ठीक है ना, सो जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये भी ध्यान रखना, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 रहती तो टी हाफ भी 50 रह गया, 100 तो 50 जान ली 10 सेकंड लग रहे थे, 50 तो 25 आ गई हाफ टाइम लग गया. डन, सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर में इक्वेशंस. ठीक है, सो इसलिए मेजर मेजर फॉर्मूला सुन करवाई है, ये चंगी तरह लर्न कर लेने हैं. कल अपने इन फॉर्मूलाज दे बेस पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सो बच्चे बोलते हैं अपना जस्ट कंसिडर एक रिएक्शन वेयर ए गिव्स यू बी. नाउ सिंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, तो देखो सिमिलरली मैं इसका भी रेट दो तरीके ना लिख सकते हैं. रेट इज इक्वल टू के इंटू एथे ए की पावर की हो जाएगी 1 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी डी ऑफ ए. उथे की सी बचे हैं ए की पावर 0 होगी, 0 ऑर्डर सी और ए की पावर 1. अगेन मैं सिमिलर टर्म्स में एक पास करूंगा, सो दे बोथ आर इक्वल टू रेट, मतलब उन्होंने इक्वेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू दिस. सो एरिया टर्म्स में इकट्ठे कर लो, सो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू डी डी मेटर लग गया अपन के इंटू डी डी. फाइन, नाउ बच्चे अगेन सेम इंटीग्रेट देन फ्रॉम 0 टू टाइम टी. सो सिमिलरली अपने इसको भी इंटीग्रेट करता, सो एंटर साइड टू द सेम अपने पास किया गया के टी प्लस आई. सो जब आप इसको इंटीग्रेट की तरफ अपने को किया गया नेचुरल लॉग ऑफ ए नेगेटिव. फाइन, सो बिल्कुल पिछली बार की तरह अगेन आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है आई आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एट टी इज इक्वल टू 0 आप कहेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई. दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हम बच्चे मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की सॉरी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से पुट कर दूंगा
सो दिस इंप्लाइज मेरे पास आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उन बच्चे मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी सेम साइड पे कर लूंगा इधर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइन नाउ सो बच्चे अपन इसमें तो लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। दिस इंप्लाइज डिवाइड हो जाएगा बच्चे माइनस कर नहीं ठीक है। सो KT will be equal to बच्चे natural log of a naught upon a। now natural log can be written as 2.303 log initial concentration upon final concentration is equal to KT। so this implies K is equal to 2.303 upon T log of initial concentration upon final concentration। so this is your integrated rate equation for first order rate equation। fine similarly बच्चे हम आपको find out कर रहे हैं half life period। so अगर अपन half life period पूछे अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन था ठीक है ना। सो देखो आप लिखेंगे टी हाफ सॉरी टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है। सो अगेन सेम एट टी हाफ जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन द हाफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड सो उनमें इसकी वैल्यू एथे पुट कर दूंगा। सो दिस इंप्लाइज टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट डिवाइड बाय 2। सो बच्चे ए नॉट कट जाएगा मैं ए की जगह पे ए नॉट बाय टू पुट करता एक आ गया टू ऊपर चल जाता। सो बेसिकली जो ए चीज आ गई मेरे को मैं इसमें ऐसा लिख सकता ए नॉट कट गया टू ऊपर चल गया। सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ टू। नाउ लॉग ऑफ टू की वैल्यू कितनी होती है आपका प्लस वन केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम की कैसी वैल्यूज 0.3010। सो log of 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं बच्चे 0.3010 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन बच्चे वी कैन से कि द टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो तुम अगर ध्यान ना देखो तो सू कि भी इतने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं लिख रही आपने जीरो ऑर्डर कंपेयर करके देखो जीरो ऑर्डर की बनाया सी कहेंगे ए नॉट अपॉन टू के यानी टी हाफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इतने की है टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट यानी कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। हम आप ग्रास कर रहे हैं दोबारा। सो देखो फर्स्ट ऑर्डर लेन सो मैं दोनों मेन इक्वेशन जो है उसको बोर्ड पे रख के बाकी सब इरेज कर रहे हैं ठीक है। एंड अगेन पिछली बार भी करा आप डिराइव कर रहे हैं
अगर अपन नु आवे a ते x दी फॉर्म च, सो देखो आपा ने क्या सीखा कि लेट a नॉट इज इक्वल टू स्मॉल a, ते आपा ने क्या सीखा कि लेट x रिएक्ट्स इन टाइम t, है ना। ता फाइनल कंसंट्रेशन आपा ने कितनी बच गई सी a माइनस x, तो एरिया वैल्यूज नो बिल्कुल एक्चुअली पुट करना तो बिल्कुल सिंपली की बन गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of a अपॉन a माइनस x, ठीक है। सो ये से लिख सकते हो नाल नाल, बट उसको बाद हम देखो बच्चे। सो हम पिछली दिन कराई अब हम फिर ग्राफ्स बना रहे हैं। सो पहला ग्राफ हम बच्चे का सुनो नाल नाल कंपेयर करके ग्राफ्स बना रहे हैं, ठीक है ना। सो ये ध्यान से रखियो। सो एक ग्राफ में मैं प्लॉट करूंगा जीरो ऑर्डर ले और एक ग्राफ में प्लॉट करूंगा नाल फर्स्ट ऑर्डर ले सेम ग्राफ, ताकि आपने पिछले भी रिवाइज हो जाए एंड आप कंपेयर भी कर लेंगे। सो देखो पहला ग्राफ वी आर प्लॉटिंग रेट वर्सेस टाइम। सो मुझे नेक्स्ट आप प्लॉट कर रहे हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। सो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। सो मुझे जीरो ऑर्डर से ग्राफ वॉज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़े चाहे कटे। हम ऐसे ग्राफ के लिए होएगा इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जिवे जिवे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है रेट भी बढ़ेगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यू गेटिंग अ पॉइंट। सो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, एथे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर है। एथे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो वो नाल नाल इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम अपना नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो जीरो ऑर्डर के ग्राफ किसी बच्चे स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। T half was directly proportional to initial concentration. जबकि ये थिंक किया देखो, T half is independent of initial concentration. So the graph will be straight line parallel to x axis. अपनी initial concentration जितनी मर्जी हो गई, T half will remain the same. उनमें सुनो, simple example लेके बात करें। So देखो, zero order ले अपने की लिखा सी। For zero order it was कि अगर मैं starting 100 मोल्स को स्टार्ट किया, आफ्टर 10 सेकंड्स इट बिकम्स 50, तब 25 पे जाने के लिए मिनट लगे सी सेकंड्स 5 सेकंड्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी तब की हाफ भी हाफ हो गया। होना चाहिए बच्चे फर्स्ट ले, अगर 100 तो 50 जाने के लिए टाइम लगे सी 10 सेकंड्स, तब हम 25 पे जाने के लिए कितने लगेंगे 10 seconds. So, T half does not depend upon initial concentration. अगर 100 को 50 जान ले, अधे होन ले 10 सेकंड लगे सी, तो 50 को 25 होन ले भी 10 सेकंड्स की लगेंगे। अगले 10 सेकंड बाद 12.5, another 10 सेकंड्स बाद 6.25, another 10 सेकंड्स बाद 3.12 and so on. So उन्ने ही टाइम बाद वो हाफ हाफ होता जाएगा। तुसी 100 की बजाय अगर इतने 500 मोल्स लगाने तो 10 सेकंड्स बाद कितने रहेंगे 250। अगर तुसी 1000 लगाने तो 10 सेकंड्स बाद कितने रहेंगे 500। यू गेटिंग अ पॉइंट। सो टी हाफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सो अब लास्ट ग्राफ पे पहुंचते हैं बच्चे। लास्ट ग्राफ
जो अपन ने प्लॉट करना है दैट इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अपन ने प्लॉट की था अगर सुनिए याद हो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम इफ यू रिमेंबर तो अपना ग्राफ के बने ऐसा ठीक है इंटरसेप्ट वॉज इक्वल टू ए नॉट स्लोप वॉज इक्वल टू माइनस ए ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बच्चे रेट वाला ग्राफ बनूंगा ऐसा वाला ग्राफ बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन फटाफट मिलूगी जिम्मे जिम्मे टाइम बीतता जाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन हॉली हॉली गिरना स्टार्ट हो जाऊंगा रेट विल डिक्रीज बट इतने मैं ग्राफ केड़ा प्लॉट करूंगा स्ट्रेट लाइन अगर मैं चाहिए नहीं है तो मैं ग्राफ के में प्लॉट करूंगा देखो आह वाली इक्वेशन अपने को कि मैं बनी सी इतो बनी सी नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के याद है ना इसको पहला लॉ स्टेप की सी का नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी फिर आप इसको लिख लिया सी नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए पीछे जाके चेक करो तो उसके बाद आपने नेचुरल लॉग की जगह पे की पुट करता सी 2.303 लॉग ठीक है सो हम इस इक्वेशन जो नेचुरल लॉग ऑफ ए की वैल्यू चाहते हो सो नेचुरल लॉग ऑफ ए is equal to natural log of a naught minus kt. So, it's what we've done. Now, if you compare this with y is equal to mx plus c. So, when you compare this with y, then I will write the natural log of a. This side is y x-axis is t. So, my graph again has become So, intercept किसने बराबर आ गया natural log of a naught and again slope is equal to minus a ठीक है so जो ग्राफ ओके बनिया सी between a and d ऐसे बनिया हो natural log of a and d and intercept ओके बराबर सी और zero order a naught ने ऐसे हो intercept किसने बराबर है natural log of a done So this is all about first order rate equations. Unne ko bache. So first order rate equations which jo main equations apne ke answer karni hai. First natural log of a naught upon a is equal to kt फिर जो मेन इक्वेशन अपन उसको बनगी k is equal to 2.303 upon t log of a naught upon a and finally t half is equal to 0.693 upon k fine aapko bachche isko exponential forms mein likh sakte hain agar main is equation ko exponential forms likha to pehle ki ban jayega final concentration is equal to initial concentration e raised to power minus k So these are the different forms in which you can write your first order rate equation. This is your major equation. बच्चे देखो अपन mainly आप दोनों equations use होनी हैं. ये अपनी first order integrated rate equation है. K is equal to 2.303 upon t log of a naught upon k. T half is equal to 0.693 upon k. ये अपनी दो major equations हैं. ये अपना other forms of equations नहीं ये अपन rarely use होनी है ठीक है so this is about first order rate equation मैं सिर्फ एक दो examples करवाना है कि अपन वो question किद्दा आ सकते हैं ये ऊपर ठीक है so बच्चे देखो अपन एक example discuss कर रहे हैं ताकि
यू शुड नो कि इस दे नाल बेस्ड इक्वेशन दे नाल बेस्ड अपन क्वेश्चंस कितना आएंगे, ठीक है ना। वैसे अपन क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर च डिस्कस करेंगे फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक एंड असाइनमेंट। बट एक बार मैं सुन जस्ट एक क्वेश्चन दसदा जिस दे नाल अपन एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कितना आते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। सो बच्चे लेट द क्वेश्चन इज कि a given reaction follows first order rate kinetics। so पहले लाइन में भी चीज स्पेसिफाइड हो गया कि आपने केडी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करनी है फर्स्ट ऑर्डर वाली, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% of the reaction is over, given that T half for the reaction is equal to minutes। So, अपन को हाफ लाइफ पीरियड 90 मिनट्स दिता है। क्या अपन पूछा गया कि 80% ऑफ द रिएक्शन कितनी देर च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस दे विच अपन को अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दो बार यूज करनी पड़ेगी। कितना देखो, सो वी आर गिवन टी हाफ इज इक्वल टू 90 मिनट्स, 80% ऑफ द रिएक्शन हो चुकी, यानी कि कितना रिएक्टेंट बच गया 20%। सो if initial concentration is equal to 100, the final concentration bache kitni bachegi 20, easy। now hun meri rate equation ki hundi hai, t is equal to 2.303 upon k log of initial concentration upon फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो बच्चे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 20 है, दो ही प्रॉब्लम इज की वैल्यू केडी वैल्यू है, केडी वैल्यू मेरे को कितना पता लगेगी, टी हाफ। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, डन। सो मैं वैल्यू पुट की थी 0.693 अपॉन टी हाफ के मैं बच्चे 90 यूनिट्स की होंगे पर मिनट, फर्स्ट ऑर्डर है ना तब पर टाइम, सो पर मिनट। सो आप तेरी वैल्यू मैं इसे पुट करूंगा, सो 2.303 अपॉन 0.693 90 बच्चे ऊपर चला गया, सो लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 20, इसको करके कितना आ गया लॉग ऑफ 5। सो अपन लॉग ऑफ 5 की वैल्यू लगाएंगे, आ सारा सॉल्व कर लेंगे एंड वी गेट द टाइम पीरियड। सो इजी। सो बच्चे इस तरीके ना अपन क्वेश्चंस आते, बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे, वी डू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। बट उस तो पहला एक बार तुसी इस क्वेश्चन नु अपनी निगाह चो कर लो ताकि आपको जस्ट इतना पता लग जाए कि इस दिन रिटन क्वेश्चंस कितना आते हैं, ठीक है ना। वी डू प्लेंटी ऑफ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो, ठीक है ना। सो बच्चे बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन, तो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स दस दवा विच फॉलो फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रेट काइनेटिक्स, क्योंकि यही दो मेन अपने सिलेबस है। सो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मोस्टली दे आर जिड़िया रिएक्शंस आर एंजाइम कैटलाइज्ड, जिम्मे कि अपनी बॉडी च डाइजेशन वगैरह होती है, सो दे ऑल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो मतलब कि अपनी बॉडी जिम्मे डाइजेशन हो रही है तो अपनी स्पीड पे हो रही है,
यह नहीं है कि अगर तुम रोटी घट खाओगे तो घट टाइम लगेगा, ज्यादा रोटी खाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, उन्हें अपनी स्पीड से ही होना है। इसी करके आप कहने होते हैं कि आपको हमेशा बैलेंस्ड खाना चाहिए, जितनी जरूरत होगी उतना खाना चाहिए, अगर उसको ज्यादा खाओगे तो आप तकलीफ ही चला गए, ठीक है ना। सो रिएक्शंस इन विच रेडिएशन आर यूज्ड, जिन्हें आपने कहा सी मीथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। उठे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करती, रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑर्डर दिया कॉमन एग्जाम्पल्स। अच्छा बच्चे, एक डिके ऑफ अमोनिया, सो देखो सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया डिकम्पोजेस इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ फर्स्ट ऑर्डर बच्चे, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। जिदा कि हम अपने को कार्बन 14 होता है, रेडियो एक्टिव होता है, सपोज मैं सबको कार्बन 14 का 5000 ग्राम दे दूंगा, तो मैं सबको कहूंगा कि यदि हाफ लाइफ 100 ईयर्स है, ठीक है ना, तो 100 ईयर्स बाद 5000 का हाफ हो जाएगा। So, जो जिन्हिया भी रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन है, दे ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक और एग्जाम्पल मैं ऑर्गेनिक विच देऊंगा, सो आप कहने में ना कि इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव्स यू इथेन, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी बनती, टू, बट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, याद रखना, ठीक है ना। So, these are some common examples of बच्चे zero order and first order rate kinetics. एक चीज को सुनो, सो एक चीज को सुनो बच्चे, मतलब कितने टाइम बाद एक रिएक्टेंट पूरी तरह रिएक्ट कर चुका, लेट इट बी मैं सुनो 100 ग्राम देता है, तो कितने टाइम बाद 100 का 100 रिएक्ट कर चुका, पहला था जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अगर मैं सुन गया कि 100 ग्राम है, अगर मैं सुनू जीरो ऑर्डर से टी हाफ दस दवा तो पता लग जाएगा, सपोज मैं सुन गया कि इसका टी हाफ इज 20 डेज, सो आफ्टर 20 डेज ये 50 है क्या, आफ्टर अनदर 20 डेज जीरो हो चुका, क्योंकि रेट का सेम ही है, बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेम, 100, 50, 20 तो डिपेंड ही नहीं करता, वो अपनी स्पीड ना रिएक्ट कर रहा है, पहले 20 डेज 50 रिएक्ट कर गया, अगले 20 डेज और 50 रिएक्ट कर गया, तो 100 40 डेज के बीच की हो गया वो कंप्लीट, ठीक है ना। यानी कि सब्सटेंस की लाइफ कितनी होगी, टी हाफ को डबल, सो लाइफ कितनी होगी बच्चे, 2 इंटू टी हाफ, एक बात समझ आएगी नहीं। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस जितना टी हाफ देता है उसको डबल कर दोगे तो उसकी लाइफ खत्म, ठीक है ना, उन्हीं लाइफ है उसकी। हुन बच्चे फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ, डन, फर्स्ट ऑर्डर दे विच लेट इट बी 100, आफ्टर 20 डेज वो 50 रह जाए, After another 20 days, वो कितना रह चुका 25, After another 20 days, वो कितना रह चुका 12.5, After another 20 days, वो कितना हो चुका 6.25, After another 20 days, it will be 3.125, After 20 days, 1.56, Another 20 days, 0.78, बच्चे समझ आ रहे हैं ना, उन्हें टाइम पीरियड बाद वो हाफ लाइफ उन्हें हाफ होता जाएगा, Another 20 days, 0.39, Another 20 days, it will be 0.2, near about, मैंने 0.4 मान लिया हूं, After another 20 days, it will be 0.1, so बच्चे मैं इतनी दोबारा आ गया, After another 20 days, it will be 0.05. So, बच्चे, I can say कि जो first order rate equation है या first order reaction है
ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਡ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨਾਊਨ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਆਲਵੇਜ ਯੂਜ ਦ ਟਰਮ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਗਭਗ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਏ ਦ ਸਿੰਬਲ ਟਾਉ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਪੋਨ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ k is equal to 0.693 upon t half first order rate equation le theek hai na so this implies average life is equal to k ke barabar hogi t half upon 0.693 so main 1 upon 0.693 karunga tab mere paas average life becomes equal to 1.44 into 0.44 into 0.3 half. So this is all about first order rate equation, first order integrated rate equation. खुद बच्चे मैं सब लिखवाना है second order integrated rate equation. वो दी derivation अपने syllabus से नहीं है. Question आने chances भी very 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 bleak. In fact, to put it very straight, theory में चुस्ते questions आने कोई chances नहीं है. हाँ, MCQs based questions can always come. ठीक है ना? वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थ्योरी एग्जाम्स अगेन इट्स वेरी 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 वीक बट स्टिल बुक्स विच मेंशन होती है तो आप इतनी डिस्कस जरूर करांगे सो सोचे सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन So our second order integrated rate equation is equal to kt is equal to 1 upon a minus 1 upon a naught. So which you correct kar lo jo thode notes hai ode vich I think k ya t vich jo ek term missing hai theek hai na wo correct kar lena So kt is equal to 1 upon a minus 1 upon a naught. This is your second order integrated rate equation. So it's proper t half nikala hai. So kt half is equal to ode ka pehle put kar denge a naught by 2 ka 2 upar chal jayega. So 2 upon a naught minus 1 upon a naught. Done. So this implies k into t half is equal to 1 upon a naught. So, अगर तुम उसी के अंदर देखो, तो t half ऐसे क्यों हो गया बच्चे? Inversely proportional to a naught. Done. So, this is all about second order rate equation. इसके बीच अपन इसको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक कोई ग्राफ डिस्कस कराएंगे अपन इसके बीच. The graph between t half and a naught. हम क्या आंदोलन देखो बच्चे? So again मैं t half दिया equations revise करूँगा. तीनों दिया देखो. So देखो बच्चे.
जीरो ऑर्डर में टी हाफ वॉज ए नॉट अपॉन टू के, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. डन. फर्स्ट ऑर्डर में इट वॉज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, ए नॉट की पावर जीरो. होना भी हमारे बच्चे सेकेंड ऑर्डर में, तो उधर ही टी हाफ इनटू के इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट. अगर मैं के अंदर ले जाऊं तो मैं इसको आई लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के इनटू ए नॉट. सो इट तो मेरे को लिख दिया टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. सो हमको जी मैं ग्राफ्स बना रहे हैं. सो जीरो ऑर्डर में की बनेगा सी ग्राफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकेंड ऑर्डर टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है. हम देखो बच्चे अगर तो अपन ए नॉट के नाल ग्राफ पूछे हैं फिर तो ऐसा आजुगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और अगर सपोज अपन ग्राफ पूछे हैं 1 अपॉन ए नॉट के नाल तो वो आजुगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए नॉट है. डन. ठीक है बच्चे. सो अगर ए नॉट का पूछा होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ग्राफ, और अगर 1 बाय ए नॉट का पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. सो बच्चे इन्होंने चंगी तरह रिवाइज कर लेना. ठीक है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दे ऑल आर न्यूमेरिकल बेस्ड थिंग्स. इन्होंने ग्राफ जरूर कर लेने हैं, हाफ लाइफ जरूर कर लेनी है. आई गारंटी यू कि इन योर थ्योरी एग्जाम एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे पक्का आएगा, 101% आएगा. तो कितना आएगा मैं जस्ट तुम्हें एक हिंट देना. सो देखो ग्राफ में इस क्वेश्चन बच्चे इस जो पक्का आंदा ही आंदा है. सो लेट इट बी कि तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिता गया है. देखो सो द क्वेश्चन ग्राफ को स्टार्ट करेगा. So, let it be, उन्होंने अपन रेट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है एंड ग्राफ है. फाइन. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बोलेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, नंबर टू व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन, नंबर थ्री How does T half vary with initial concentration? So, बच्चे तीनों questions को solve करने लगे. So, सिर्फ पहला question बनना चाहिए. You getting a point? हम देखो rate time के नाल ना same रह गया. ठीक है. So, यानी कि order क्या है? Zero order. So, पहला question अपना solve हो गया zero order. अगर अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो जीरो ऑर्डर मोल्स पर लीटर पर सेकंड यूनिट्स ऑफ के. हाउ डस टी हाफ वेरी इन ए नॉट, द टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. सो अगर बच्चे अपना पहला क्वेश्चन गलत हो जाता तो तीनों क्वेश्चन गलत देखो. सपोज लेट इट बी तुम इनू फर्स्ट ऑर्डर देखो तो इतने की हो जाएगा सेकंड, इतने की हो जाएगा इंडिपेंडेंट. So, एक 3 मार्क क्वेश्चन आऊंगा जिरा कि हार्डली 10 तो 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन होएगा. ठीक है ना. बट वो डिपेंड करेगा सिर्फ ग्राफ के ऊपर. सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है. एंड अगेन आई रिपीट कि 99.9% चांसेस की है जीरो या फर्स्ट ऑर्डर पे. सो आई जो ग्राफ्स किए हैं
उन्हें ग्राफ को थरू ही कर लो, उन्होंने ही ग्राफ आएगा एंड उसके ही कंप्लीट 3 marks का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन बच्चे अब चंगी तरह रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, देर विल बी नो असाइनमेंट बिकॉज मैं इस न्यूमेरिकल बेस्ड कल क्वेश्चन करवाऊंगा, उस तो बाद असाइनमेंट देंगा। But definitely you are given questions from the book. Or questions कर लियो, we'll meet for the doubts at the same time 5 PM in the evening. So keep studying, keep revising, keep yourself fit and fine, stay at your homes. Thanks a lot.